हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं हूँ किचन में आज, और किचन से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का 4:30 हो रहा है और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बहुत दिन के बाद। काफी टाइम हो गया था मैं नहीं आई थी, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी मैं, ना रेसिपी डाल पा रही हूँ। आजकल बहुत ज्यादा घर से आने के बाद ना बहुत ज्यादा बिजी हूँ बच्चों के साथ, दोनों का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये हो रहा है ऊपर नीचे। और अभी मैं बना रही हूँ पोहा, ये हमने डब्बे में काट के रख लिया है पोहा। पोहा खत्म हो गया था और सुबह से बस ऐसे ही था, दोनों को स्कूल ले जाना लाना, दोनों का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है ना, थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और आर्यन भी 6 में चला गया है, तो थोड़ा सा उसका भी पढ़ाई को लेकर ज्यादा टेंशन हो रही है। उसके बाद आज गए थे, थोड़ा सा मेरा सामान भी खत्म हो गया था, बिग बाजार में कुछ सामान लेके आई थी, कुछ राशन वगैरह लाई हूँ, बस चावल बचे हैं लाने के लिए, बस चावल लाने लगे। सामान हमने सेट नहीं किया है, बस ऐसे रखा हुआ है। परी का दो फ्रॉक, परी बोल रही थी फ्रॉक लेना है मम्मा, तो मैंने बोला चलो, बहुत दिन के बाद ऐसे वो फ्रॉक पहनना पसंद नहीं करती है, फ्रॉक ले ली हूँ मैं इसका। मैं काट रही हूँ हरी मिर्च, सामने दिख रहे हैं पांडे जी, वो देखिए क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, पोहा बन रहा है। ओके, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, सोनाली गुंजन ब्लॉग देखने वाले। बहुत टाइम के बाद, घर से आने के बाद चल रहा था बिजी बिजी बिजी, काफी बिजी है ये, अब घर से आने के बाद ये अब तक बिजी ही हैं, अभी भी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है इनका। अब क्या होता है ना, दो दिन अभी रुक जाइए, कब से संडे है ना, बच्चे भी ढूंढते हैं पापा, टाइम उनको भी चाहिए। नहीं, थोड़ा सा बीच में काफी थोड़ा सा लंबा हो गया इस बार ना हमारा घर में रुकना, तो काफी सारे काम पेंडिंग पड़े थे, और फिर वहां से आने के बाद चला गया सूरत, सूरत से आया हूँ परसों आया सूरत से, उसके बाद कल मीटिंग थी यूट्यूब की, तो अब जो है एक एक करके। कैसा रहा आपकी मीटिंग, किससे किससे मिले आप? बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे काफी सारे लोग थे, टेक्निकल गुरुजी और ये कौन था, बगलोल वीडियो ऐसा करके आता है, पहचानते हैं उनको। तो काफी सारे लोग आए थे, ऑलमोस्ट 300 लोग थे, तो ऑल इंडिया से आए थे, और काफी सारे गिफ्ट वगैरह भी सभी को दिए यूट्यूब ने। यूट्यूब की टीम होती है पूरा, गूगल टीम होती है, चलेंगे आपको भी लेके, थोड़ा चैनल आपका बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको भी मिलेगा इनविटेशन। इंतजार कर रही हूँ, मेरा भी चैनल मुझे लगी है भूख, और मैडम बनाई है पोहा, आज इनकी तरफ से आज ये रेसिपी डालेंगे, ठीक है, आज थोड़ा यूनिक सा होगा। नहीं, आप ही बनाओ, आप ही ठीक हो। बता दो दो, चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या चाहिए, इन्होंने क्या लिया है अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मूंगफली, ये मूंगफली है, और क्या लिया आपने, नींबू, ये देखिए नींबू है, और ये तो उठाना पड़ेगा इसमें दिखाने के लिए, ये इधर मिर्ची काट के रखा है इन्होंने, और ये पोहा है जिसको पानी में भिगो रखा है, और उसके बाद पानी से निकाल रहे हैं, इधर इसमें पूरे छन्नी में ले लिया था, छान लिया मैंने, इधर कढ़ाई चढ़ाई है, मैंने बोला कुछ ऐसा करो जो 5 मिनट में तैयार हो जाए, क्योंकि आर्यन की साइकिल हो गई है खराब, और मेरा ही इंतजार हो रहा था, कल भी मैं टाइम नहीं दे पाया, साइकिल भी खराब हो गया है, चश्मा भी इसका टूट गया, चश्मा भी आर्यन का टूट गया है, तो वो भी कराना है, तो मैं आज सुबह थोड़ा सा काम वगैरह था, कुछ बच्चों के स्कूल में भी काम था, उधर से होके आया, फिर सो गए। पांडे जी का गप खत्म नहीं होगा, पांडे जी से कम बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, चलो इन्हीं से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, आपके व्यूअर्स हैं, बात कर लीजिए भाई, आपके सारे हैं जाने पहचाने सब। ओके, अब आपके भी नहीं रहे, अब मेरे भी हो गए वो। चलो मैं कमेंट्री करता रहूंगा क्या क्या कर रहे हैं फटाफट। 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप पोहा बनाना चाहते हैं, चूड़े का हलवा भी बोलते हैं कुछ लोग पोहा बोलते हैं, यहाँ तो पोहा ही बोलते हैं। सरसों तेल में आप बनाइएगा, सरसों तेल थोड़ा सा डाला है, और कढ़ाई हो गई है गर्म, आप बताइए क्या डालना है आज, आप बताइए, जीरा डालो आधा, हाँ जीरा डाल दीजिए इसमें, पक गया,
नहीं पका नहीं पका, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद डालना है जीरा। देखिए आज ये हमें बताना है कितना डालना है, बस अपने हिसाब से डाल, अपने हिसाब से नहीं आपको बताना है। अच्छा ये दो चुटकी डाल दीजिए, दो चुटकी क्योंकि पोहा कितना सा है ये दिखाता हूँ मैं, इतना सा गिर जाएगा ये देखिए कितना सा है पोहा, इसी से बनेगा। मैं हींग तो डालूंगी, ये हींग में कोई कम्प्रोमाइज नहीं, हींग मुझे बहुत अच्छा, हींग तो ऐसे भी अच्छा रहता है सेहत के लिए, हींग तो हींग मुझे अच्छा लगता है। आ गया मेरा बेटू, मम्मा क्या कर रही है कि चीज़? हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया मम्मा के पास सोनाली गुंजन फ्रॉग में, मैं आ गया। आप ना फ्रॉग दिखा दीजिए मम्मा, आइए ना अच्छे लगे। हाँ परी वो देखिए नाराज है, वो कह रही है चोटी बांधने, अभी उसका चोटी खोल गया है, बोल रही है उखड़े पुखड़े में नहीं आना है, उखड़े पुखड़े, ये उखड़े पुखड़े क्या होता है, गड़बड़ गड़बड़। दिखा दीजिए आप सबने फ्रॉक लिया है, मम्मा ने फ्रॉक परचेज किया है, तो मैं चलता हूँ, आप लोग बनाइए, इधर आके बता दीजिए। ये देखिए मम्मा ने आज फ्रॉक लिया है, आज परी ने एक फ्रॉक लिया है, और ये देखिए 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 इधर इधर आइए, मैं दिखाऊं उठा के, इधर तो आओ, देखिए परी के लिए ये फ्रॉक आया है, मैं डाल रही इसे मूंगफली, मेरा जीरा, मेरा पोहा भी बन रहा है उसे, हाँ। भी हो जाएगी। मुझे नीचे डाला तभी में डाला, वन टू, जब मैं वन टू बोलूंगा नीचे हो जाएगी, वन टू। चलो भाई ये मैं डालू, डालिए ये हरी मिर्ची डाल दी इसमें, तो देख रहे हैं नाश्ते के लिए इंतजार भी करना पड़ता है, कमेंट्री भी करनी पड़ रही है, तब जाके नाश्ता मिलने वाला है, तो घर में भी होते हैं कुछ, ये बैकएंड की लाइफ है जो मैं दिखा रहा हूँ। पांडे जी ऐसे बहुत हेल्प करते हैं हमारी कुकिंग में, हाँ और कुकिंग भी अच्छा करते हैं, आज मेरे का बोल को दिया नहीं अच्छा तो नहीं, बट हाँ क्या हुआ अच्छा ना, जब कॉलेज लाइफ में था तो अकेले रहना होता था, तो आती सारी चीजें हैं, टेस्ट की बात तो छोड़ दी, दाल भात और चोखा, बस दाल में ही आलू डाल देते थे जब हॉस्टल में रहते थे, दाल में आलू डाल दिया और एक ही बार में कुकर में सारी चीजें, एक में चावल हो जाती थी, एक में दाल और दाल में आलू डाल दिया, तो 10 मिनट में अपना तैयार हो जाता था, तो सबसे फेवरेट है मेरा, आज भी कई बार मैं बोलता हूँ दाल भात चोखा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पोहा, थोड़ी सी शक्कर, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ऐसे हमें अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा मीठा प्रॉब्लम है तो आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा हाँ आज ड्रॉइंग दिखाने है मेरी की, यार मैंने स्कूल में किया था, ऊपर उठाओ एक सेकंड एक सेकंड, नाश्ता हो गया है रेडी, मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए, नाश्ता हो गया है तैयार बनके, और पांडे जी को भूख लगा था, हम खुद ही खा रहे, भूख लगा था, मैंने बोला जो जो बनाया फटाफट लेके आ जाओ बाद में देखेंगे, तो फिर ये था प्याज मिला। था प्लेट में ना प्याज मैं, था मैंने प्याज भी डाला है और ये बिना प्याज, ये बच्चे प्याज नहीं खाते। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।